आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है और इंडिया को अपना एक कोच मिल गया है। जी हां, अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे और अगले एक साल तक के लिए वो कोच बने रहेंगे। क्या आपको पता है कि इस फैसले के साथ ही एक इतिहास रच गया है? भारतीय क्रिकेट टीम को पिछले 16 सालों में पहली बार कोई स्वदेशी कोच मिला है। इससे पहले इन 16 सालों में जितने भी कोच आए वो सभी विदेशी थे, लेकिन इस बार ये कमान संभालने को दी गई है अनिल कुंबले को। हालांकि इससे पहले जब टीम इंडिया जिम्बाब्वे खेलने गई थी तब रवि शास्त्री को इंडिया का कोच उस दौर में अस्थायी रूप से बनाया गया था। तो आइए आपको बताते हैं आज तक टीम इंडिया के कोच कौन कौन रहे हैं। अजीत पाटिल भारत के कोच थे 1992 से 1996 तक। उसके बाद 1996 में संदीप पाटिल को टीम इंडिया का कोच बनाया गया, हालांकि उन्होंने एक साल का भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। संदीप पाटिल के बाद सतन लाल आए और फिर अंशुमन आए 1997 से 1999 तक के लिए। इसके बाद सबके फेवरेट कपिल देव जो कि 1999 में आए और 2002 तक कोच रहे। फिर न्यूजीलैंड के जॉन राइट आए, 2000 से लेकर 2005 तक टीम इंडिया के कोच रहे। उसके बाद मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया से आए, टीम इंडिया के कोच की कमान संभाले, जिन्होंने कई बातें कही। 2005 से 2007 तक रहे और फिर गैरी कस्टन दक्षिण अफ्रीका से आए और 2008 से 2011 तक टीम इंडिया के कोच रहे। उसके बाद 2011 से 2015 तक इंडियन टीम के कोच रहे डंकन फ्लेचर, और अब अनिल कुंबले टीम इंडिया के कोच बन गए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीबज वर्ल्ड।